हेलो दोस्तों, एक और हिंदी डब कंफर्म हो गया है, वो भी क्रंची रोल की तरफ से। हम इस वीडियो में उसी एनिमे के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले नीचे जो रेड सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी, ताकि आप कोई भी आगे आने वाले अपडेट्स को मिस ना कर दो। अब बिना किसी देरी के आ जाइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं एनिमे लवर चिट चैट, आ जाइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्रंची रोल तो बहुत आगे जा रहा है हिंदी डब्स में, क्योंकि वो बहुत सारे एनिमे को हिंदी डब में लेकर आ रहे हैं। इवन उन्होंने पिछले दिनों कुछ एनिमे अनाउंस किए जिनकी वो हिंदी डबिंग कर रहे हैं, पर इस बार उन्होंने वो एनिमे डब किया है जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो रिसेंटली हमें ये न्यूज मिली है कि क्रंची रोल विनलैंड सागा का सीजन 2 हिंदी डब में ले आया है, जो कि हम सबके लिए ही बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। तो हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, विनलैंड सागा सीजन 2 के एपिसोड अब क्रंची रोल पे स्ट्रीम होना शुरू हो गए हैं और इसके एपिसोड्स हर ट्यूसडे 2:30 AM पे रिलीज हुआ करेंगे। तो अगर आपने विनलैंड सागा का सीजन 1 देख लिया हुआ है और आप सीजन 2 देखने वाले थे, तो अब इसको आप हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। वैसे मुझे बस एक चीज अजीब लगी, क्योंकि कुछ लोगों ने सीजन 1 नहीं देखा हुआ विनलैंड सागा का और उन्होंने सिर्फ सीजन 2 डब किया है। तो जब आप शुरू से किसी एक लैंग्वेज में एनिमे को देखते होते हो और बाद में उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाए तो बहुत ज्यादा अजीब लगता है। पर ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, क्योंकि अगर मैं कोई एनिमे जापानीज में देखती और बाद में मुझे उसे हिंदी में देखना पड़े तो मुझे वॉइसेस सुनने में बहुत अजीब लगता है। तो दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर बताना, अगर आप कोई एनिमे शुरू से जापानीज में देख रहे हो और बाद में जाके उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाए तो आप लोगों को एक डिफरेंट लैंग्वेज में एनिमे देखना पसंद आता है या नहीं। और अगर आप विनलैंड सागा का सीजन 2 हिंदी में देखने वाले हो तो मुझे ये भी बताना कि आप लोगों को उसका हिंदी डब कैसा लगा। बाकी आज की वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो इसको लाइक करना और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में कुछ और नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय चैटर्स।